ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पाञ्चाकल्पगुरुभ्यः कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति व्रज देवी सत्यवती नम नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्रिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीलाभ विष्णम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रथम श्लोक में श्री राधा रानी के चरण को वंदना कर रहे हैं। कहते सत्यम परम धीमहि, भगवान की वो जो पराशक्ति जो स्वरूप शक्ति जो ह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी को हम सब के सब ध्यान करते हैं। कहते वो कौन है, जितने सारे रस का जो मूल है, सारे रस जिनसे प्रकट होता है। बोले रस कब प्रकट होता है? बोले कृष्ण जब अनुकूल नायक हो, राधा रानी जब स्वाधीन भत्रिका हो, तभी ये रस प्रकट होते हैं। मतलब है कृष्ण यद्यपि देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन उनकी सुंदरता की पराकाष्ठा कब होता है? जब राधा रानी मान करती है। और कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए उन्होंने हाथ जोड़ करके राधा रानी के चरण में गिरते हुए हाहा खाते हुए जब प्रार्थना करते हैं, तभी रस की पूर्ण प्रकट होता है। तब भी कृष्ण सबसे सुंदर लगते हैं और राधा रानी भी परम सुंदरी लगती है। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण किया था अन्या व्यतिरक रूप में कि भाव रस प्रकट होता है। कते ने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मुझंत जत सुरयो। कहते सर्वप्रथम भगवान ये जो दिव्य ज्ञान है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया है, हैं? इसलिए कृष्ण कहते ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच ततगंच गृहाणम गदितमय। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जो परम जो गुह्य ज्ञान है मैं तुमको वो परम गुह्य ज्ञान में तुमको प्रदान कर रहा हूँ। कहते परम गुह्य ज्ञान क्या है?
परम गुह ज्ञान क्या है, परम ज्ञान तो होता है जब केवल कृष्ण पर ज्ञान हो, लेकिन परम गुह ज्ञान तभी होता है जब राधा रानी को साथ में कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं, नहीं तो ज्ञान केवल ज्ञान ही होता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते पहुंचते हैं बहुलावन में, वहां पर देखा एक वृक्ष को एक टहनिया में तोता बैठा हुआ और एक टहनिया में बैठी हुई मैना, मैना और तोता बैठे हुए और दोनों के अंदर में लड़ाई हो रहा है। तोता कहता है मेरे जो श्याम सुंदर कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठा लिया था। मैना कहते चुप रहो, कृष्ण गिरिराज उठा लिए थे, बताओ तो कौन हाथ से उठाए, बोले बाम हाथ से। बोले कौन सा अंगुली में उठाए, बोले बाम अंगुली में। बोले उठाए कैसे, बोले शक्ति से। बोले कृष्ण का शक्ति कौन है, राधा रानी। तो गिरिराज उठाया किसने, किसने उठाया, बोले श्री राधा रानी। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोप ने करी सहाय, श्री राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए। कृष्ण कैसे गिरिराज उठाए, बोले गोपियों ने जो कृष्ण को थोड़ा मक्खन खाया खिलाया हैं, और गोपन ने सर लठिया लेकर के सर टेका दिया गिरिराज गोवर्धन को, और राधा रानी की जो कृपा से गिरिराज उन्होंने उठा लिया। इसलिए राधा रानी ऐसे तिरछ नजर से गिरिराज को देखा रहा था, देख रहे थे, बोले खबरदार अगर नीचे तुम उतरोगे ना हम तुमको जला करके राख बना देंगे। इसलिए राधा रानी की जो तिरछ चितवन से कहते कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन को उनने उठा लिया। इतने में तोता कहता है मेरी जो श्याम सुंदर का सर के ऊपर में मयूर पंख है। मैना कहती है तुमको पता है कृष्ण ये मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, बोले क्यों, बोले उसमें श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है इसलिए कृष्ण ये मयूर पंख को धारण करते हैं। तोता कहता है मेरे जो श्याम सुंदर कदम वृक्ष को नीचे खड़े होकर के बंसुरी बजाते हैं। मैना कहती है तुम्हें पता है ये कदम वृक्ष को नीचे कृष्ण खड़े होकर क्यों बंसुरी बजाते हैं, बोले जो कदम वृक्ष राधा रानी का स्वरूप है और वो कदम वृक्ष को नीचे राधा रानी रोज आती है ना, इसलिए कृष्ण को पता है राधा रानी यहाँ रोज आती है, इसलिए वो वहीं पर खड़े होकर के वो बंसुरी को वहीं पर बजाते हैं। तब श्री तोता कहता है कहते मेरे जो श्याम सुंदर, अब देखना जो कृष्ण खड़े रहते हैं वो किस तरफ में ढले हुए खड़े रहते हैं, कृष्ण जो बंसुरी बजाते हैं ना कृष्ण ऐसे ऐसे तीन जगह से टेढ़े हैं, एक पैर से एक कमर से और एक गर्दन से, तीन जगह से टेढ़े हैं। कृष्ण को देख लो कृष्ण तीन जगह से टेढ़े, लेकिन वो झुंके कहाँ किस तरफ में, बोले राधा रानी जिधर है और उस तरफ में झुंके हुए। बोले क्यों उधर क्यों झुंके हुए, बोले राधा रानी के चरणों को पाने के लिए, इसलिए वो बाम तरफ में कृष्ण इसलिए झुंके है बाम तरफ में। इसलिए ऐसे ही मैना तोता में महाप्रभु ने देखा कैसे दोनों लड़ाई कर रहे हैं, एक कृष्ण का पक्ष और एक श्री राधा रानी का पक्ष। लास्ट में बोले भैया झगड़ा करके कोई लाभ नहीं, झगड़ा करके कोई लाभ नहीं, क्योंकि तत्व तो हो दो नहीं, कहते जो राधा साप कृष्ण जा राधा कृष्ण एवस एक ज्योतिंग दिधा विरना राधा माधव स्वरूपम, वो कोई अलग नहीं वो एक ही है, केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए वो दोनों दो रूप में प्रकट हुए, इसलिए चलो हम दोनों मिलकर के राधा कृष्ण की हम गुणगान करते हैं। फिर तोता मैना मिलकर के बोले जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कर ललिता दिसखी गहन मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सिखी पुछ चूड़ा मनोहर ललित माधव वामी वृष भानु कन्या नील बसना गौरी रूपे गुने धन्या नाना विध अलंकार करी जल महल हरि मन विमोहना बदन उज्ज्वल विशाखा दि सखी गन नाना रागे गाय
प्रिया नर्म सखी जत चामर ढुलाए श्री राधा माधव पद सरसी जयासे भक्ति विनोद सखी पद सुखे वासे। बोले चलो हम दोनों मिलकर के राधा कृष्ण दोनों का कीर्तन करते हैं। इसलिए कहते चैतन्य चरितामृत में श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं, बोले राधा रानी है कौन? राधा रानी अगर पूछा जाए भैया राधा रानी कौन है, तो कहते हैं कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देकात्मना भूवि पुरा देह भेदौ गतौ तौ चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयम चैकम आप्तम राधा कृष्ण भाव दुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। पूछा जाए राधा रानी कौन है, कहते राधा रानी और कोई नहीं, कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति, मतलब अगर कृष्ण प्रेम को कहीं एक रूप दिया जाए, कृष्ण प्रेम है क्या चीज, कहते वो कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए गुरुदेव कहते थे राधा रानी की दो स्वरूप है, कितना स्वरूप है, दो है, कहते एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त क्या है, कि जैसे हम राधा रानी को दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी मूर्ति रूप में खड़ी है, कहते ये मूर्त, कहते अमूर्त। अमूर्त मतलब जब मूर्ति नहीं है तो वो तब क्या है, बोले महाभाव स्वरूप से हैं, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुर रानी। राधा रानी कौन, बोले महाभाव है, हैं, बोले भैया महाभाव क्या चीज होता है, तब उसको उदाहरण दिया कि जो भक्ति कहाँ से शुरू होती है, बोले श्रद्धा से, श्रद्धा है तभी हम लोग यहाँ पर बैठे, तभी यहाँ कथा सुन रहे हैं। भक्ति कहाँ से शुरू होती, श्रद्धा से, फिर यही श्रद्धा बढ़ते बढ़ते श्रद्धा, उसके बाद फिर साधु संघ होता है, फिर वैष्णव का संग में आते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उसके बाद में फिर जब हमें पता चलता है साधु संघ में हम कौन हैं, बोले जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम सबके सब भगवान के नित्य सेवक है। लेकिन भगवान को भूलने का वजह से हम इसी संसार में आए, माया संसार में आए, और माया हमें क्या कर रहा है, ये 14 ब्रह्मांड और 84 लाख जन्म में हम भटक रहे हैं, कभी तन से दुखी, कभी मन से दुखी, कभी धन से दुखी, कभी परिवार से दुखी, कभी पति से दुखी, कभी पत्नी से दुखी, कभी बेटे से दुखी, कभी काम से दुखी, कभी मन से दुखी, कभी तन से दुखी, दुखी 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 संसार में हम दुखी दुखी हो रहे हैं। जब फिर पता चलता है भैया सुखी कैसे होंगे, हम तो अमृतस्य पुत्रा, हम तो भगवान की संतान हैं, लेकिन हम उनको भूलने का वजह से हम ये संसार में आए। ये संसार क्या, दुखालयम असासतम, संसार दुख का एक घर है, और संसार में सबके सब नश्वर वस्तु है, इसलिए नश्वर वस्तु कभी जीव को आनंद दे ही नहीं सकता है। जो एक दिन नष्ट होने वाले, क्षण होने वाले संसार, संसार मतलब क्या, सम्यक रूपे सरती, हमसे जो हर चीज अलग 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 होते जा रहा है, धीरे धीरे हर चीज हमसे अलग अलग, एक दिन पूरा ही अलग हो जाएगा दुनिया, हाँ, पति भी जाएगा, हम भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, दुनिया भी जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं संसार है। इसलिए जब जीव को पता चलता है, जब तक जीव भगवान का शरण में नहीं जाए, भले ही ये दुनिया का जितने वस्तु प्राप्त कर ले, ये जड़ वस्तु कभी भी जीव को परमानंद आनंद दे नहीं सकता है, कभी ये दुनिया दे नहीं सकता, क्यों, वो नश्वर है, दुख का घर, जिसने बनाया वो स्वयं कहते दुख का घर ही है, लेकिन हम यहाँ सुख ढूंढ रहे, उसने कहा ये दुख का घर, लेकिन हम सुन से सोच रहे यही शायद सेटल सेटअप यहीं पर हो जाएगी, हैं, किसको बोलो भैया भगवान की कथा में आओ, बोले देखो सब काम को ना निपटा करके सेटअप करके आएंगे, हैं, सेटअप, बोले निपटा करके आएंगे, बोले तुम स्वयं निपट जाओ, खत्म हो जाओगे, ये दुनिया कभी निपटेगा नहीं। ये दुनिया में कोई सेट हुए हैं, बेडरूम सेट कर दिया, किचन सेट कर लिया, डाइनिंग रूम सेट कर दिया, लेकिन मन ही अपसेट है, सब सबको तो सेट कर दिया लेकिन मन ही अपसेट, ये मन है। इसलिए जब साधु संघ से हमें ये पता चलता है, जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा, राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के जगत में किसी को सुख नहीं मिला, फिर क्या होगा, फिर भजन क्रिया,
फिर जीव भगवान की भजन करते हैं। जब भजन करते हैं, भजन करते 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 उसके बाद में फिर अनर्थ निवृत्त होता है, हैं? अनर्थ जो हमारे प्रयोजन वस्तु नहीं है, इसलिए अनर्थ चार तरह का अनर्थ है, असतृष्णा, हृदय दुर्बल, अपराध और तत्व भ्रम, ये चार तरह का अनर्थ है। कहते धीरे 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 जितना परिमाण में भजन करेंगे उतना परिमाण से हृदय से ये अनर्थ होता है। तत्व भ्रम मतलब हम भूल गए भगवान की हम संतान है। असतृष्णा मतलब भगवान की हैं, भगवान की तृष्णा इच्छा को छोड़ करके, भगवान की भजन की इच्छा छोड़ करके और जितने हैं। तत्व भ्रम, असतृष्णा, हृदय द्रौबल्य, हृदय द्रौबल्य मतलब होता है आप देखना हर चीज में तो मन लग जाती है, लेकिन जब माला लेकर बैठना शुरू करते हैं, भजन करने के लिए बैठते हैं, उस समय मन नहीं लगता है, हैं? उस समय मन नहीं लगता है, फिर हमारी जो अपराध है, हैं? इसलिए जितना परिमाण में हम भजन करेंगे उतना परिमाण में ये वस्तु हमारी खत्म होती जाएगी, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अनर्थ निवृत्त होता तो उसके बाद में फिर रुचि आती है। रुचि मतलब होता है बढ़िया लगना, जैसे कोई खाना बनाया बहुत टेस्ट है, बोले भैया और थोड़ा दो, और थोड़ा दो, बहुत अच्छा बनाया है, एक केक बहुत अच्छा बना, और थोड़ा दो, और थोड़ा दो। उस समय अभी हमको भजन में रुचि नहीं, दूसरे चीज में रुचि है, लेकिन जब रुचि स्थिति आती है फिर तो भगवान भगवान ही अच्छा लगता है। कब समय मिलेगा थोड़ा हरिनाम करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, हैं? धीरे 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 रुचि। उसके बाद में कहते निष्ठा, निष्ठा आती है, बोले निष्ठा अवस्था में फिर तो पक्के हो जाती है, फिर भले सारा दुनिया है, सारा दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन हम भगवान की गुरु वैष्णव भगवान को हम कभी छोड़ने वाले नहीं, लेकिन दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छूट। जैसे मीरा है, जैसे हरिदास ठाकुर है, जैसे श्री प्रहलाद महाराज है, जीवन में कितनी बाधा विपत्ति आई, सारा दुनिया छूट गया लेकिन भगवान की भजन नहीं छोड़े, इसलिए कहते निष्ठा। उसके बाद में फिर आसक्ति आती है, हैं? आसक्ति इसी दुनिया में देखो कहीं आसक्ति हो जाता है ना, कोई लड़का लड़की में कहीं आसक्ति हो जाती है, अगर उनको मना कर देते नहीं तुम्हारी शादी नहीं होगी, क्योंकि सुइसाइड कर देते, शादी नहीं करें हम दोनों ही, हैं? दोनों ही प्राण त्याग कर देते हैं। अगर ये जगत का आसक्ति इतना जोर जबरदस्ती, और जब वास्तविक वस्तु में जो आसक्ति हो तो उसमें कितनी आसक्ति नहीं होता है, हैं? इसलिए आसक्ति अवस्था में ही कहते जीव का जो असली जो स्वरूप है वो आसक्ति अवस्था में एक अंकुर निकलता है, हैं? अंकुर निकलता है, उसके बाद में होता है भाव। जो भाव होता है कहते भाव का कहते उसमें नौ लक्षण भाव का दिखता है, बल्कि शांतिर अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तत् गुण ख्याने प्रीति तत् बस स्थल है। कहते उसके अंदर में फिर ये नौ लक्षण दिखने लग जाती है, शांतिर मतलब होता है। कहते ये दुख का कारण होने पर भी जो कभी दुखी नहीं होते हैं, दुख का कारण होने पर भी हरिदास ठाकुर को 22,000 में पिटाई कर दिया, लेकिन बोले भैया क्या हुआ, बोले मैंने भगवान का निंदा कान में सुना है ना, भगवान ने मेरे को थोड़ी सी सजा दे करके छोड़ दी, इतने 22,000 में पिटाई होने के बावजूद भी हैं। लेकिन हम लोग क्या है, भजन करते हैं, अगर थोड़ी सी विपत्ति आ जाए ना, बोलेंगे हम भगवान का इतना भजन किया, भगवान हमारे साथ में ही किया, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहले माला छोड़ देंगे, पहले माला ही छोड़ देंगे। इसलिए लेकिन जब भावावस्था आता है ना, तो उसी समय में दुख का कारण आने पर भी वो कभी दुखी नहीं होता है, हैं? कभी दुखी नहीं होता है। दुर्योधन जिसे युधिष्ठिर महाराज, उनका नाम ही युधिष्ठिर है, जीवन में कितनी विपत्ति आ गई, कुंती को देखो कितना जीवन में विपत्ति आई, भगवान जब पूछे बुआ जी बर मांगो, फिर झोली पसारा करके कहते मेरे को दुख दे दे, भगवान बोले इतना दुख मिला तभी तेरा पेट नहीं भरा, जंगल में जिंदगी भर भटकती रही, तुमको मारने के लिए जतुगृह में आग लगा दिया गई और कितने दुख दिया, क्या पेट नहीं भरा,
फिर दुख मांगती हो, कहते प्रभु दुख में स्मरण सब करे। जब दुख आए ना, सबके सब तेरे को स्मरण करते हैं, सुख में करे ना कोई। अगर ज्यादा सुख हो जाए ना, फिर देखना ज्यादा पैसा वाला जो होता है ना, जब ज्यादा वो प्रभु का भजन भजन नहीं करते, कहते हमारे किसी जी कभी खा रहे पी रहे मस्त है, हैं। इसलिए सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो स्मरण करे दुख काहे को आए। अगर सुख में अगर भी हम भगवान की स्मरण करते, फिर दुख किस चीज के। इसलिए कहते ये भावावस्था में ख्यान तेरी अभ्यर्थ कालतम, समय को नष्ट बर्बाद कभी नहीं करता है, हर समय भगवान के नाम कीर्तन भजन में डूबा रहता है। हाँ, विरक्ति भगवान की भक्ति की जो विरोध वस्तु में, उसका प्रतिकूल वस्तु में उसको विरक्ति हो जाता है। मान शून्यता, कभी इसकी मन में इच्छा नहीं होता, सारा दुनिया हमारी जय जयकार करे, सारा दुनिया हमारी प्रशंसा करे, हैं, सबका सम्मान देता है, लेकिन स्वयं प्रतिष्ठा के भूखे नहीं रहता है। मान शून्यता आशा बंध, मतलब हर समय रहता है जरूर एक दिन भगवान हमें मिलेंगे ही, एक दिन जरूर। इसलिए जब भावावस्था को बताया, जैसे फूल आने से पहले कली होता है ना, उसका जो कड़ी होता है, कली होती है, उससे कड़ी से पता चल जाता है ये फूल होने वाले, ये फूल होने वाले। कहते भावावस्था में उसको भगवत अनुभूति होने लग जाती है, हैं, भगवत अनुभूति। इसलिए अनुभूति में इसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, कभी कभी उसको ना भगवान की मीठी 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 बंसुरी की आवाज़ सुनने को मिलता है। इसलिए आँख बंद करके कान खड़े कर देते हैं, इतनी सुंदर बंसुरी की आवाज़ भगवान की, हैं। और कभी कभी उसको ऐसे लगता है मानो भगवान आए और उसको अपना अधरा मृत पिला करके चले गए, और तुम डूब जाता है, अपना होठ को चाटने लग जाते हैं, कितने किसने मेरे को अमृत पिलाए। कभी कभी उसको ऐसे लगता है भगवान आए और उसको स्पर्श किया है, और स्पर्श करते ही उसका जो रोंगटे एकदम खड़े हो जाता है, आनंद में एकदम रोंगटे खड़े हो जाता है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है भगवान के चरण की जो नुपुर चम 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 आवाज आ रही, उसको सुनने लग जाता है, इतने मीठी आवाज कहाँ से आ रही। कभी कभी भगवान उसको सामने जब प्रकट कभी कभी होते हैं, इतने उनका ज्योति वस्त्र और अलंकार का उसका आग जैसे चकाचौंध हो जाता है, हैं, एकदम चकाचौंध हो जाता है उसको। इसलिए कहते आशा बंध, आशा बंध मतलब है उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है भगवान हमें जरूर मिलेंगे। आशा बंध समुत्कंठा, समुत्कंठा मतलब हर समय उसको उत्कंठा बनी रहती, कब प्रभु का दर्शन होगा, कब प्रभु का दर्शन होगा, हैं। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम कीर्तन में उसको हर समय रुचि रहता है। आसक्ति तत् गुणा ज्ञाने, कब भगवान की कथा सुनेंगे, कब भगवान की कथा सुनाएंगे। प्रीति तत् बसस स्थले, जहाँ पर भगवान का लीला स्थली जगन्नाथपुरी नवद्वीप, हैं, वृंदावन, कब हम वृंदावन जाएंगे, प्रभु का लीला स्थली दर्शन करेंगे, कब नवद्वीप जाएंगे, कब जगन्नाथपुरी जाएंगे, कब तीर्थ स्थान, वो स्थान उसको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कदी ये भावावस्था में, ये सब स्थिति भावावस्था में होती है, पर प्रेमावस्था में तो कृष्ण दर्शन हो जाता है। इसलिए कहते ये भक्ति कहाँ शुरू हुई, श्रद्धा से साधु संग करते करते जब प्रेमावस्था, उसको बाद में फिर स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, फिर अनुराग, फिर राग, हैं, एकदम ऐसे करते करते राग अनुराग करते 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 बोले भाव, फिर महाभाव स्वरूपाश्री राधा ठाकुरानी, हैं, महाभाव अवस्था जिसमें संपूर्ण रूप में, हैं, कृष्ण भक्ति रस में जब संपूर्ण उसमें डूब जाए। इसलिए रूप गोस्वामी उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में ये सब धीरे 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 इसका सब लक्षण बताए, सब लक्षण बताए। इसलिए कहते राधा रानी का दो स्वरूप है, एक स्वरूप है मूर्त और एक स्वरूप है अमूर्त। इसलिए ये अमूर्त रूप में, जब मूर्ति रूप में नहीं हो, यही श्रद्धा बढ़ते 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 जब वो प्रेम अवस्था प्राप्त करता है, महाभाव कहते महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी। इसलिए बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा रानी कौन है, कृष्ण का जो प्रेम ही ये एक रूप धारण की है श्रीमती राधा रानी। एकात्मना कहते मतलब वो कोई दो नहीं, वो एक ही है। उदाहरण दिया जैसे दिया, देखना एक में तेल है,
दिया में, और दो तरफ में दो बत्ती जल रही है, लेकिन तेल एक ही तेल, एक ही तेल से ही वो दो दिया जल रही हैं। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे एक जड़ है, कमल फूल है उसका जड़, लेकिन एक जड़ से जैसे दो फूल खिले हुए हैं, कहते तो उसी तरह वो एक ही है, एक ही है, लेकिन लीला करने के लिए, विस्तार के लिए वो दो रूप में प्रकट हुए। इसलिए एकात्मना वो एक होते हुए अनादिकाल से वो एक होते हुए वो दो है, लेकिन अब दो होते हुए भी वो एक ही है, दो होते हुए भी वो एक है। इसलिए जब रासलीला करते करते कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, हैं कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, और राधारानी बैठ बैठ करके रो रही है, दुखी होकर के रो रही है, इतने में कृष्ण ने क्या किया, हैं कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अपना रूप बदला लिया, बदला करके एक श्यामा सखी रूप धारण कर लिया, हैं श्यामा सखी धारण रूप कर दिया, और आ करके देखो वो श्यामा सखी, वो जो प्रेम संपूर्ण जो दो राधारानी वहाँ बैठी होगी, कृष्ण वहाँ पर हैं, वो कृष्ण इस श्यामा सखी रूप धारण किया, और आ करके राधा जी को पास में कृष्ण का निंदा कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं अपना निंदा कर रहे राधा जी से, बोले क्यों रो रही हो, ऐसे ऐसे कृष्ण मेरे को छोड़ करके चले, बोले एकदम गंदा आदमी, बेकार आदमी, उसको प्रेम मत किया करो, हाँ उसको प्रेम मत किया करो। कृष्ण कहते मैंने तुमको और भी कभी देखा, हैं कभी कृष्ण तुमको बोलते हैं तो तुमको बहुत प्यार करती हूँ राधे, तुमको सिवाय और किसी को मैं प्यार नहीं करता, वो बरोबर बोलते हैं लेकिन अंदर से है ना वो और किसको प्रेम करते हैं, हैं इसलिए वो झूठे हैं, वो जैसे ऊपर काले हैं ना अंदर में ऐसे काले हैं, इसलिए मैंने और एक बार तुमको देखा जब कृष्ण तुमको छोड़ कर चले गए तो इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे, तुम्हारी रोने में पूरा वृंदावन धाम का लता बता वृक्ष हैं एकदम वो भी रो रहे थे, तुम्हारी रोना देख करके ऐसे ही तू रो रही थी, आज भी देखा देखो कृष्ण तेरे को छोड़ कर चले गए ना कृष्ण, अगर तुमको प्यार करते तो कृष्ण क्यों छोड़ कर जाते, इसलिए कृष्ण को प्रेम एकदम मत करो, एकदम बेकार आदमी है। जब ऐसे बोले कृष्ण सोच रहे थे राधारानी क्या कहती है, क्या कहती, इतने में राधारानी बोले नहीं वो मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, हैं बोले फिर अगर प्रेम कर तुमको छोड़ कर फिर क्यों गए, फिर छोड़ कर क्यों गए, बोले इसलिए मेरे को छोड़ कर गए वो बिरह रस को आस्वादन कराने के लिए, क्योंकि मिलन में क्या होता है वो सामने सामने मिलन में सामने सामने मिलते हैं लेकिन अंदर से खोते हैं, लेकिन विरह से क्या होता है संपूर्ण रूप में उसमें डूब जाते हैं, जब उसको चिंतन करते हैं ना संपूर्ण उसमें वो डूब जाते, जहाँ नेत्र बड़े तहाँ कृष्ण स्पुरे, जिधर जिधर देखते उधर कृष्ण 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 मिलता है। इसलिए विरह मतलब होता है विशेष पूर्वक, रह मतलब होता है केली, मतलब ऊपर दिखता है जैसे अलग हो गए लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से वो संपूर्ण रूप में अंदर से मिलते हैं। बोले नहीं कृष्ण मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। तो कृष्ण ने कहा इसका कोई प्रमाण है, कृष्ण तुमको प्रेम करते कोई प्रमाण है। इतने में कृष्ण ने कहा अगर, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, अगर कृष्ण को तुम यहाँ प्रकट करा सकते हैं ना फिर तो मैं मानूंगी जो कृष्ण तुमको प्रेम करते हैं। बोले ठीक है अभी मैं कृष्ण को प्रकट कराता हूँ। इतने में श्री राधारानी हैं, देखो वो राधारानी बैठी है, राधारानी बैठ करके कृष्ण को पुकार रही हैं, बोले हे श्याम सुंदर हैं तुम तो मेरे प्राण प्यारे हो, हैं इसलिए तुम तो मेरे को बहुत प्यार करते हो, हैं इसलिए हे श्याम सुंदर, लेकिन ये जो श्यामा सखीना वो मानना नहीं चाह रही हैं जे तुम मेरे को बहुत प्यार करते हो, वो कहती हैं अगर कृष्ण को यहाँ प्रकट करा दोगे तो तभी मैं मानूंगी, इसलिए हे श्याम सुंदर अगर आप सचमुच से मेरे को प्यार करते हो प्रेम करते हो अब यहाँ प्रकट होकर के दिखा दो ये श्यामा सखी की जे आप मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। जो उन्होंने बैठ करके जोगिनी बनकर बैठी राधा रानी बन करके जब कृष्ण को एक मन से कृष्ण को उन्होंने स्मरण किया ना वो कृष्ण तो श्यामा सखी रूप धारण किए थे ना इतने में कृष्ण ने क्या किया सारे वस्त्र को खोल दिए सारे जो लड़की बनते थे ना वो सारे लड़की जो स्वरूप था ना साड़ी फाड़ी पहन करके मेकअप करके जो लड़की बने हुए थे सब फेंक दिया
और फेंक करके कृष्ण साक्षात रूप में त्रिभुवन ललित रूप में बंसरी बजाते हुए प्रकट हो गए। जब उन्होंने आँख खोले कृष्ण साक्षात सामने कृष्ण खड़े, तब इतने में राधा रानी देख रही हैं, भैया वो जो श्यामा सखी थी कहाँ चली गई, वो तो अभी थी कहाँ, वो तो मान नहीं रही थी कृष्ण मेरे को प्रेम करते हैं, वो मेरे को तो मान नहीं रही थी, वो गए कहाँ। हाँ इधर उधर देखती हैं, वो इधर उधर कहीं नहीं, क्यों, वही कृष्ण ही वो श्यामा सखी बने थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते तत्वतः वो दो नहीं, तत्वतः एक ही है, लेकिन वो लीला करने के लिए उन्होंने ये दो रूप राधा और कृष्ण रूप में प्रकट हो गया। अभी वही कृष्ण ही कलयुग में राधा रानी के भाव अंग कांति लेकर के श्री चैतन्य महारूप रूप में जगत में आए। इसलिए कहते तेन तेन ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मुझंत जत सुर है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को वो ज्ञान प्रदान किया, कौन सा, बोले ज्ञानों में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम, ज्ञान नहीं उनको विज्ञान प्रदान किया है। हाँ विज्ञान तभी विज्ञान है, कब विज्ञान होता है, जब अनुभूति साथ में, और जब राधा कृष्ण केवल जब कृष्ण पर ज्ञान दे केवल वो ज्ञान है, लेकिन जब राधा कृष्ण को साथ में जब ज्ञान प्रदान करे वो विज्ञान है, हैं वो विज्ञान है। इसलिए उनको बताया सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद, ये तीनों मिलकर के कृष्ण परिपूर्ण है। कदि ये सत स्वरूप कौन है, कदि सत स्वरूप श्री बलदेव प्रभु, कदि ज्ञान स्वरूप कौन है, बोले कृष्ण है, बोले आनंद स्वरूप कौन है, बोले राधा है। अगर ये आनंद को और सत को अगर निकाल दिया जाए वो बीच में रह जाता है चित, चित स्वरूप में कृष्ण, जब केवल चित स्वरूप में कृष्ण है कहते उसी समय वो ज्ञानियों का आराध्य वो ब्रह्म है, कृष्ण उसी समय में केवल ब्रह्म है, लेकिन उस समय कृष्ण रस स्वरूप नहीं, रस स्वरूप तभी है जब उनको साथ में राधा रानी हो और उनको साथ में श्री बलदेव प्रभु हो, तभी वो रस स्वरूप है, नहीं तो कृष्ण रस स्वरूप नहीं, केवल कृष्ण ज्ञान स्वरूप में वो ब्रह्म है। इसलिए कहते ज्ञानम में परम गुह्यम, भगवान ब्रह्मा जी को कौन सा ज्ञान दिया, परम गुह्य ज्ञान प्रदान किया, जो अनुभूति को साथ में वो ज्ञान प्रदान किया, अनुभूति को साथ में राधा कृष्ण के ज्ञान दिया। इसलिए ब्रह्मा जी महाप्रभु ने, उन्होंने हर संप्रदाय में महाप्रभु गए, लेकिन महाप्रभु किसी दूसरे संप्रदाय को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने सी ब्रह्म संप्रदाय को ग्रहण किया। ब्रह्म संप्रदाय को बोले क्यों, कहते जो ब्रह्मा जी इनके हृदय में राधा रानी की सेवा प्राप्त करने की अभिलाषा है। इसलिए हम बरसाना जाते हैं ना, बरसाना गए कि नहीं, हाँ बरसाना गए, हाँ बरसाना में वो ब्रह्माचल पर्वत है, हाँ ब्रह्मा जी बरसाना भी जन्म पहाड़ रूप में जन्म हुए, और ब्रह्मा जी वहीं पर 60,000 साल वो पर्वत रूप लेकर के तपस्या की। इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे, बोले पिताजी आप ये गोपियों को प्रेम को पाने के लिए आपने क्यों तपस्या की हैं 60,000 साल। तब ब्रह्मा जी कहते बेटा ये जो गोपियां हैं ना ये साधारण कोई लड़की नहीं, ये तो आनंद चिन्मय रस की प्रतिभावित मूर्ति है, हाँ आनंद छोड़ी बृष्ण राधा रानी की ये सब के सब एक एक काय विहसो प्रकाश है गोपियां, ये कोई साधारण नहीं, साधारण कोई लड़की ये नहीं है, हैं। इसलिए बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मुझंत चत सुरय, कहते राधा रानी के प्रेम को सामने जहां पर बड़े बड़े देवता लोग भी जहां पर मोहित हो जाते हैं, हैं? कहते बड़े बड़े, इसलिए बोले ब्रह्मेश्वरादिशु दुरुह पदार विंदम, जिनकी माया में जिनकी राधा रानी के चरण के प्राप्त में, बोले ब्रह्मा शंकर जी नारद जी उद्धव जी जैसे व्यक्ति भी क्या चाहते हैं, राधा रानी की चरण की धूल को पाने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, राधा रानी के चरण की धूल को पाने के लिए। इसलिए उद्धव जी कहते हैं बंदे नंद ब्रज स्त्रीनांग पाद रेणु अभिक्षण स जासाम हरि कथत गीतत पुनादि भुवन त्रय। तो यहाँ पर कहते हैं बंदे नंद ब्रज स्त्रीनांग पाद रेणु, यहाँ पर जो प्रार्थना करते हैं कहते राधा रानी के चरण की एक धूल को प्रार्थना करते, केवल एक धूल को, हैं बोले क्यों,
राधारानी के चरण की धूल को, एक धूल को प्रार्थना करते क्यों? बोले अगर उनके चरण की एक धूल अगर मिल जाए ना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मुह्यंति जत सुरयो, राधा रानी के प्रेम को सामने बड़े बड़े देवता लोग भी जहाँ पर मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए शंकर जी गोपी भी बन गए, हैं राधा रानी के रास में कृपा पाने के लिए गोपी भी बन गए, लेकिन शंकर जी को निकाल दिया गया और शंकर जी गोपी स्वरूप रूप में शंकर जी बैठे हुए। कब राधा रानी की कृपा हुई? लक्ष्मी स्वयं भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। इसलिए नारद भी, नारद गोपी बनने के लिए श्री गिरिराज तलेटी में वहां पर भी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कहते मुह्यंति जत सुरयो, हैं मुह्यंति जत सुरयो, बोले तेज और भारी मृदाम जथा विनिमयो। यहाँ पर कहते हैं राधा रानी की चरण की, हैं राधा रानी की चरण की नखे से जो ज्योति निकलती है, वो ज्योति में क्या होता है, हैं राधा रानी के प्रेम के सामने कृष्ण जब बंसी में, कभी कभी राधा रानी की नाम को जो बंसी में उच्चारण करते हैं, जिस बंसी ध्वनि को सुन करके कहते राधा रानी कभी चरण के नख की छटा को सामने चंद्र सरोवर देखे हो? चंद्र सरोवर की नहीं देखे हो? चंद्र सरोवर कहाँ पर है? गोवर्धन में। इसलिए चंद्र सरोवर नाम क्यों पड़ा? कृष्ण वहीं पर रसो लिए है, वहीं पर कृष्ण रासलीला किया है, रासलीला कृष्ण किया वहीं पर चंद्र सरोवर में। इसलिए जहां पर ब्रह्मा का एक दिन तक चंद्रमा वहीं के वहीं खड़ी रह गई, वहीं के वहीं चंद्रमा खड़ी रह गई, चंद्रमा इधर उधर गई नहीं है। इसलिए कदे राधा रानी के चरण के नख की छटा से हैं कदे क्या होता है, चंद्रमा भी उसका तेज भी जिसको सामने निस्तेज हो जाता है। और कृष्ण जब बंसरी में राधा जी का नाम गान करते हैं, जो यमुना बहती है ऐसे, वो यमुना क्या होती है, वो उल्टी बहने लग जाती है, हैं बारी मतलब होता है पानी, हैं कदे ये उल्टा बहती है, और मृदा मतलब होता है मिट्टी। गिरिराज गोवर्धन, कृष्ण जब राधा जी का नाम को बंसुरी में उच्चारण करते हैं, ये गिरिराज गोवर्धन भी पिघल करके वो पानी पानी हो जाता है। अभी भी चरण पहाड़ी में, हैं चरण पहाड़ी में वृंदावन में अभी भी भगवान के चरण की अभी भी छाप पड़ा हुआ है, हैं छाप पड़ा हुआ। इसलिए कहते सबके सब तेज भारी मृदा त्रिसर्गा, त्रिसर्गा मतलब होता है उनकी तीन शक्ति भगवान भगवान की, कहते स्वरूप शक्ति उनकी है, तटस्थ शक्ति और जीव शक्ति, ये सारी शक्ति राधा रानी को सामने मृषा, मृषा मतलब होता है जहाँ निस्तेज होता है, और कहते और तीन जो चीज है, हैं कहते भू शक्ति लीला शक्ति, और उनको भू लीला और एक शक्ति है, कहते जो तीन जो शक्ति है क्या होता है राधा जी को सामने, ये भी मृषा मतलब निस्तेज हो जाता है राधा रानी को सामने। इसलिए कहते राधा रानी से फिर तीन काय भू प्रकट होती हैं ब्रज में, ये जो गोपियां हैं लक्ष्मी जो महिषी हैं, कहते ये भी राधा रानी को सामने इनका तेज भी निस्तेज हो जाता है, इनका तेज भी निस्तेज हो जाता है। इसलिए राधा रानी हैं, राधा रानी की सामने सारे शक्ति इनसे प्रकट होते हैं, जिसको सामने सारे को सारे निस्तेज हो जाते हैं। एक समय कुरुक्षेत्र में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा, संपूर्ण रूप में सूर्य को जब राहु ग्रास करते ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सारा दुनिया वहां पर आई थी, और श्रीमती राधा रानी भी आई थी वहां पर, है राधा रानी। इसलिए राधा रानी का तीन स्वरूप है, कितना स्वरूप है? तीन स्वरूप है, एक है वृषभानुनंदिनी, एक है विरहिणी, और एक है संजोगिनी। राधा रानी के तीन स्वरूप है। बोले संजोगिनी कौन है? कहती है विरहिणी कौन? और से वृषभानुराज नंदिनी, कहती जो वृषभानुराज नंदिनी जैसे कृष्ण वृंदावनम परित्यज पादकम न गच्छति, जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ करके एक चरण भी एक कदम भी कभी वृंदावन से वो बाहर नहीं जाते, कि ठीक उसी तरह जो श्री वृषभानुनंदिनी वो वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाती है। इसलिए कहते विरहिणी कौन है?
अगर वृंदावन छोड़कर कृष्ण नहीं जाते हैं, फिर राधा रानी कृष्ण विरह में रो रहे हैं क्यों, दुखी क्यों? कहते जो उद्धव कियारी में जिस राधा रानी को साथ में उद्धव जी की मिलन हुई और राधा रानी को कैसे कमल पुष्पों को पर लेटा दी गई, शरीर में अगुर कर्पूर कैसे चंदन लेप कर दी, लेकिन कृष्ण विरह में ऐसे वो तप रही थी, एक सेकंड में उस सबके सब चुरचुर चुर हो रहा था। कहती वो कौन है? कहती ये संजोगिनी। कहती ये विरहिणी। कहती संजोगिनी कौन है? कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में गए और राधा रानी भी कुरुक्षेत्र आई थी, राधा रानी भी कुरुक्षेत्र आई थी, इसलिए वहां पर जब कृष्ण को साथ में राधा रानी के मिलन हुई, जब श्री राधा रानी कहते हे श्याम सुंदर, आप भी वही श्याम सुंदर हो, मैं भी वही राधा रानी हूँ, लेकिन जब हम यमुना किनारा में है, जब हम एकांत में, जब हम कुंज में मिलते थे, जहाँ पर यमुना कलकल नादे से बह रही हैं, जहाँ पर कोयले कूह कूह कर रहे हैं, जहाँ पर मयूर के का कर रहे थे, जहाँ पर चंद्रमा का किरण छिटक रही थी, जहाँ पर बेली चमेली जूही केतकी मालती सुंदर सुंदर फूल खिल रहा था, वो जो अपूर्व दिव्य जो मनोरम स्थान, जब वहां पर हम मिलते थे जो आनंद है, यहाँ पर वो आनंद नहीं है। अगर अब हमें आनंद देना चाहते हो, क्या करो, मेरी हृदय रूपी रथ में बैठो और बैठो, आपको मैं ले जाऊंगी। कहाँ ले जाऊंगी? मैं ले जाऊंगी आपको वृंदावन। कहते ये वो कौन है? बोले ये संजोगिनी राधा रानी, ये संजोगिनी राधा रानी। इसलिए इसलिए कहते राधा रानी है, क्या हुआ नियम है, सबके सब आए थे कहाँ पर? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में नियम है, सूर्य ग्रहण में सबके सब स्नान करके नियम होता है सबको दान पुण्य करना। अभी नारद जी भी आए थे, नियम साधु संतों को दान करे। इतने में नारद जी रुक्मिणी को बोले देखो नियम है स्नान करके साधुओं को दान देनी चाहिए। बोला हाँ दान देनी चाहिए। बोले देखो ऐसे नहीं दान, कोई घटिया चीज़ जो चीज़ घटिया घटिया समझते हो, जो बेकार चीज है, ऐसे नहीं साधु लोग आए जो चीज़ हम खाते नहीं, जो चीज़ चलता नहीं, वही चीज़ दे दे, जो काम बिना काम के। बोले नहीं, सबसे बढ़िया चीज़ साधु को देनी चाहिए। बोले हाँ। बोले आप सबसे बढ़िया चीज़ दो। बोले मेरे तो सबसे बढ़िया कृष्ण है, मैं तो कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ। बोले कृष्ण को दान दो। इतने उन्होंने संकल्प करके कृष्ण को दान दे दिया। जब दे दिया बोले देखो मैं तो साधु हूँ संत हूँ, अभी कृष्ण को हमको दे दिया, अभी इसको लंगोटी पहना करके बाबा बना करके मैं ले जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, कृष्ण तो हमारे प्राण प्यारे जीवन सर्वस्व, आप कैसे उनको ले जाओगे? बोले देखो अगर उनको वापस लेना है ना, उनकी बराबर के सोने दान दे करके ले जाओ। बोले ये कर सकती हूँ। तो उनने के तराजू लाए और एक तरफ में कृष्ण को बैठाया और रुक्मिणी ने क्या क्या शरीर में जितने सारे अलंकार थी, हाँ पहले स्त्रियाँ बहुत अलंकार सर से लेकर प्यार तक अलंकार पहनती, उनने सबके सब एक तरफ लद दिया, लेकिन कृष्ण टस से मस नहीं हुए। फिर उन्होंने सत्यभामा को तरफ में देखा, वो समझ गई। फिर उसने सारे अलंकार को निकाल रख दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने कालिनी का तरफ में देखी, उसने भी उतार कर रख दिया। फिर उसने नग्ना जी की तरफ में देखा, उसने भी रख दिया। फिर उन्होंने लक्ष्मण का तरफ में देखा, उसने भी रख दिया, लेकिन कृष्ण तो टस से मस नहीं हो रहा है, हैं टस से मस नहीं हो रहा। बोले क्या किया जाए? बोले राधा रानी को बुलाओ, नहीं तो नारद कृष्ण को ले राधा रानी को बुलाओ। फिर राधा रानी को जब बुलाया, राधा रानी बोली सब चीज को निकाल दो, सब चीज को निकाल दो और एक तुलसी पत्ता लाओ। जब तुलसी पत्ते लाए और उसमें अपना आंखों का आंसुओं से उन्होंने कृष्ण का नाम को लिखे और तराजू का एक तरफ जब रखा ना, बस उधर तो एकदम पल्ला भारी हो गया और कृष्ण एकदम ऊपर उठ गए, हैं फिर तो समझ गए कृष्ण का जो नाम है, हैं और जो तुलसी पत्ता के बाद सामने भगवान अपने आप को बेच देते हैं। और यहाँ पर राधा रानी की महिमा को देखा, राधा रानी कितने महिमा है। इसलिए कहते ने ब्रह्म हृदय जो आदि कवि मुझंत जसुर हो, वहाँ भगवान है और भगवान की जो स्वरूप शक्ति से राधा रानी, हम क्या करते हैं, हम सबके सब उनके चरणों की ध्यान करते हैं, राधा रानी के चरण में हम प्रणाम करते हैं। राधा रानी आप कृपा करके तुम्हारी सेविका की सेविका की सेविका की सेविका हमें बना दो। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। वंचा कुलपति कृपा सिंधु भय वच
तानम पावने भो वैष्णव भो नम नम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बंद कर दो फिर जब वहां से वापस आऊंगा फिर कथा सुनूंगा।